ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये बड़ा होकर एक क्रिसमस ट्री बनेगा। इतना छोटा? जैसे दिवाली रोशनी के बिना, होली रंगों के बिना अधूरी है, वैसे ही क्रिसमस क्रिसमस ट्री के बिना और गिफ्ट्स के बिना अधूरा है। बालवीर जी, आपने गिफ्ट की बात तो सही कही है, लेकिन आप हमें गिफ्ट दोगे कब? मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा। हाँ, क्योंकि ये क्रिसमस ट्री तुम्हें गिफ्ट देगा। बालवीर जी, इस छोटे से क्रिसमस ट्री में कैसे गिफ्ट आएंगे? हाँ, बालवीर जी, आप हमें गधा तो नहीं बना रहे ना? मोंटू, मैं तुम्हें गधा तो नहीं बना रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें गधा बनना है तो मैं तुम्हें गधा बना देता हूँ। नहीं नहीं बालवीर जी, नहीं प्लीज बालवीर जी, नहीं। क्रिसमस ट्री और बड़ा हो जाएगा और आप सबके गिफ्ट्स भी इस पर आ जाएंगे। लेकिन बालवीर, अगर ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो फिर इसके ऊपर से हम अपने गिफ्ट्स कैसे उतारेंगे? हाँ, उसका भी उपाय मेरे पास है। हाँ, क्या? लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है बालवीर, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हम सब की तरफ से सांता क्लॉस को हाय और थैंक यू कह देना। हाँ। मैं क्यों सांता क्लॉस को थैंक यू बोलूं? हाँ? बल्कि तुम सब बच्चे सांता क्लॉस से थैंक यू बोल सकते हो। हाँ, क्योंकि इस साल सांता क्लॉस खुद आप सब बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आ रहे हैं। बच्चों, अपने बाकी साथियों को भी इसके बारे में बता देना। हाँ। और अपने माता पिता से कल के होने वाले क्रिसमस पार्टी के लिए आज्ञा भी ले लेना। मेहर, क्या हमारे पापा हमें जाने देंगे? पता नहीं माना, पर अगर वो नहीं माने तो हमें उन्हें मनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये क्रिसमस पार्टी बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। जिंगल बॉल, जिंगल बॉल, डूबा डूबा आया रे, साथ में बच्चों के लिए उपहार लाया रे। जिंगल बेल, डूबा डूबा आया रे, साथ में बच्चों के लिए उपहार लाया रे। क्रिसमस का जितना उत्साह पृथ्वी लोक पे है, उतना ही यहाँ डूबा डूबा ओ में है। क्रिसमस का ये लाल और सफेद रंग है ही कुछ ऐसा, हर कोई इस रंग में रंग जाता है और हर किसी पे सांता क्लॉस को मिलने का भूत भी सवार हो जाता है। और हो भी क्यों ना सांता क्लॉस, बच्चों के प्यारे सांता क्लॉस उनके लिए इतने सुंदर सुंदर उपहार लेकर आते हैं और उनके चेहरे पर खुशियां लेकर आ जाते हैं। पर ये सब अब परियों के बिना नहीं हो सकता नटखट परी, क्योंकि हर क्रिसमस पे आप लोग बच्चों के लिए कितने सारे गिफ्ट्स बनाते हैं। चलिए सांता क्लॉस, आपको हम दिखाते हैं कि इस बार हमने बच्चों के लिए क्या क्या खास तैयारियां की हैं। आप तो हैरान हो जाएंगे देखकर, इस बार हमने परीलोक में बिल्कुल आपके नॉर्थ पोल जैसी ही जगह बनाई है, जहां पर बच्चों के लिए उपहार बनाए जा रहे हैं। ओके, तो हमें वहाँ ले चलिए। आई कांट वेट, चलिए। साथ में बच्चों के लिए ये उपहार लाया रे। ए रुको, डुबा डुबा भाइयों रुको। अरे क्या हुआ डुबा डुबा? अरे हुई है शान की सवारी बहुत। हा? है अब बारी सांता क्लॉस की गाड़ी की सवारी की। हुँ? चलो। डुबा डुबा भाइयों आ जाओ,
चलो लेते आनंद सांता क्लॉस की गाड़ी का। नहीं नहीं, अगर हो जाएगा कुछ नुकसान तो हमें मिलेगी सजा। अरे सजा नहीं, मजा आएगा, बहुत मजा। और डूबा डूबा एक के होते हुए हो सकता है कुछ गलत। नहीं नहीं, हमें नहीं कर दिए सवारी। अरे हो कितने डरते तुम सब लोग। हेटिक, पहले करता हूँ मैं सवारी, फिर बाद में करना तुम सब सवारी। हाँ ठीक है। मानव, अब हम क्या करें? हम पार्टी में कैसे जाएंगे? पापा मानेंगे या नहीं? हाँ महर, हमें कोई अच्छा सा आइडिया सोचना पड़ेगा। चलने वाला सॉक्स। हेलो मानव, हेलो महर। महर, ये सॉक्स तो बोलता भी है, कौन हो सकता है इसके अंदर? मालूम नहीं। अरे रॉकी चाचू, आप? मैं हूँ। अरे रॉकी चाचू, आपको इतना बड़ा सॉक्स मिला कहाँ से? मेरे पास पहले से एक पुराना लाल ब्लैंकेट था और एक सफेद पिलो कवर, तो मैंने टेलर अंकल को ये दोनों चीजें दी और इतना बड़ा सा एक सॉक्स बनवा लिया। मजा आया। रॉकी चाचू, मजा नहीं आया, मोजा आया, मोजा। मोजा। वैसे रॉकी चाचू, मजा भी आया और मोजा भी आया, लेकिन इतने बड़े मोजे का करोगे क्या आप? मेहर, तुम्हें याद है ना, लास्ट क्रिसमस में तुमने बालवीर से व्हाइट क्रिसमस की डिमांड की थी और वो पूरी हुई थी। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। और मानव, तेरी बाइसिकल वाली विश भी तो पूरी की थी ना उसने? हाँ। मानव चल। कहाँ? साइकिल चलाने? नहीं, पापा को मनाने। सॉरी। देखा, इसीलिए मैंने इतना बड़ा मोजा बनवाया, ताकि मैं खूब सारे विशेष मांगू, खूब सारे गिफ्ट मांगू, अपने परिवार के लिए, शर्मा परिवार के लिए, टंडन परिवार के लिए, कपूर परिवार के लिए। हाँ रॉकी चाचू, लेकिन अब सांता क्लॉस को इतने सारे गिफ्ट डालने के लिए जगह भी तो बड़ी चाहिए ना। हाँ, तभी तो वो बड़ा मोजा होगा, तभी बड़ा मजा आएगा। नहीं, बड़ा मजा आएगा तभी तो बड़ा मजा होगा। नहीं, बस 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 रॉकी चाचू, हम समझ गए कि आप क्या कहना चाहते हो, इसीलिए हमारे मोजे के लिए आप अपना मजा दे दो। हमारे मजे के लिए आप अपना मोजा हमें दे दो। हाँ। और रॉकी चाचू, कल हमारे स्कूल में क्रिसमस पार्टी होने वाली है और बालवीर ने हमें खुद कहा है कि सांता क्लॉस हमसे मिलने आएगा। हाँ, तो इसीलिए अगर हम आपका सॉक्स लेके जाएंगे तो इसी में हम आपका गिफ्ट लेके आएंगे। हाँ, ले लो, ये लो, ये मोजा तुम ले लो, ठीक है? ये लो, मजा आएगा। वैसे और क्या होगा क्रिसमस पार्टी में? अरे रॉकी चाचू, पूछो मत। बालवीर ने हमारे स्कूल में आइसक्रीम के नल लगाए हैं, उसमें से जितनी सारी आइसक्रीम खाओगे वो खत्म ही नहीं होगी। और हाँ, ना खत्म होने वाली केक शॉप भी है, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ, और रॉकी चाचू, वहाँ पर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी है जो हमारे हंसने से बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर उसपे गिफ्ट भी लटकेंगे। तुम लोगों को कितना मजा आएगा वहाँ पे। रॉकी चाचू, मजा लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत है, और पता नहीं हमें परमिशन मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी तो कल दोपहर से लेकर अगले दिन तक है। हाँ, और हमें वहाँ स्कूल में रात भर रुकना है, और हमें पापा का इस परमिशन लेटर पर साइन चाहिए, और क्या पता पापा हमें इस पेपर पर अपनी साइन करके हमें परमिशन देंगे या नहीं। देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि मैं खुद मोटा भाई से बात करूंगा। सच्ची अच्छी। हाँ। या, 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 या।
कार्यक्रम है, वरना जाओगे गिर तुम जमीन पर। अरे समझाओ मुझे, नहीं समझाओ इसे, तू आ नहीं रहा है मेरे नियंत्रण में। ए प्राणी रुक, अरे रुको, रुक जाओ, अरे रुक नहीं रहे हैं ये लोग। बचाओ बालवीर, बचाओ बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? डुबा डुबा एक सांता क्लॉस की सवारी पे क्या कर रहा है? डुबा डुबा एक करने गया था सवारी, लेकिन पड़ गई उसे भारी। बालवीर आए हो तुम सही समय पे, बचा लो डुबा डुबा एक को, जल्दी बचा लो बालवीर। आप सब चिंता मत करो, मैं अभी उसे सुरक्षित नीचे लाता। डुबा डुबाई तुम बच्चे नहीं, फिर अपना बचपना क्यों नहीं छोड़ते? क्षमा बालवीर, क्षमा। ए अरे मैं यहाँ हूँ। क्षमा बालवीर, क्षमा। कोई बात नहीं, पर आगे से ख्याल रखना। बालवीर वैसे हमें बचाने के लिए तुम हमेशा सही समय पे आते हो, वैसे तो तुम बच्चों के बीबी भी हो, पर हमारे लिए आज से हो तुम सेंटा क्लॉज। खेलो गाओ धूम मचाओ, डरना मत बच्चों, बालवीर आएगा तुम्हें बचाने को। खेलो गाओ धूम मचाओ, डरना मत बच्चों, बालवीर आएगा तुम्हें बचाने को। खेलो गाओ। पाव किलो राजमा, आधा किलो तुअर की दाल। अभी मम्मी की तारीफ करती हूँ, फिर वो खुश होकर हमारे लिए पापा से क्रिसमस पार्टी पे जाने की परमिशन ले लेगी। कितनी अच्छी है ना? हाँ इतनी अच्छी है ये सब्जी, एकदम फ्रेश है। मैं सब्जी की नहीं, मैं मम्मी की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, कभी गुस्सा भी नहीं करती और हमेशा फ्रेश रहती है, और इसीलिए हम दोनों को लगता है कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये काम हम कर लेंगे, आप आराम करो, ओके? बच्चों तुम चाहे मेरी जितनी तारीफ कर लो, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करती। पर क्यों मम्मी? क्यों क्या, क्रिसमस पार्टी में कौन जाना चाहता है? हम। और वहाँ जाकर केक और पेस्ट्रीज कौन खाना चाहता है? हम। तो फिर पापा से परमिशन कौन लेगा? हम। क्या मम्मी आप हम दोनों के लिए इतना ऐसा भी नहीं कर सकती? नहीं, ये देखो एक पैकेट बोला था मेहुल भाई ने, दो बटर के पैकेट भेज दिया, अब क्या करूं? भाभी मुझे ब्रेड पे मक्खन लगा के दे दो। ठीक है, पापा के आते ही हमें उन्हें अच्छे से मक्खन लगाना पड़ेगा। पापा खुश तो परमिशन पक्की। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। सब लोग शातिर और चालाक हो गए हैं। क्या हुआ महेश, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? स्वीता, मैं एक घंटे से कड़ी धूप में बस की लाइन में खड़ा था। तो फिर? एक भिखारी मेरी ओर आया। हाँ। उसने कहा कि मैं बड़े दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है, कुछ पैसे दीजिए। मुझे जरा दया आ गई, मैंने उसको 20 रुपए की नोट दे दी। अच्छा किया। हाँ, स्टोरी अब शुरू होती है। 20 रुपए लेते ही उसने ऑटो पकड़ा और वहां से चला गया। भलाई का जमाना नहीं रहा है। महर, पापा का मूड तो ऑफ है। तो मैं मूड ऑन कर दूं? नहीं चाचू। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, पार्टी की परमिशन ले। महर हम आज पापा से यहाँ कहलवा कर ही आएंगे। आपके लिए पानी लेकर आऊं?
नहीं। अच्छा गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आऊं? नहीं। अच्छा ठीक है, आपके लिए गर्म पानी रख दो नहाने का। नहीं नहीं नहीं। अरे सुनिए ना, सुनिए तो। अब हम क्या करें? पापा तो हर बात पे नहीं 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 बोल रहे हैं। अगर हमने अभी उनसे परमिशन मांगी तो वो हर बात पे नहीं नहीं बोल रहे, तो इस बात पे भी नहीं बोलेंगे। हाँ मैं, और फिर हमारे आइसक्रीम्स, केक्स और चॉकलेट की बारिश, वो सब खाना तो दूर, देखने को भी नहीं मिलेगा। अब बताओ पापा से बात करो। नहीं नहीं। तो तुम भी नहीं करोगे? नहीं, कल सुबह उठते हम पापा को एकदम फ्रेश फ्रेश मक्खन लगाएंगे। ठीक है, अच्छे से मक्खन लगाना, ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह वेस्ट हो जाए। अच्छा तो मानव है कल सुबह मोटा भाई को ये मक्खन लगाने वाले। नटखटपरी, परीलोक का ये स्थान तो नॉर्थ पोल से भी ज्यादा सुंदर है, है ना सांता क्लॉस? ओ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। जब आप आगे उस स्थान पे जाएंगे जहाँ बच्चों के लिए उपहार बन रहे हैं, तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। ओके देन, जल्दी से जल्दी हमें उस स्थान पर लेके चलिए। ठीक है चलिए। ये देखिए सांता क्लॉस। परीलोक के उपहारों की फैक्ट्री। खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो। खुश रहो परियो। देखा आपने सांता क्लॉस, हम परियां बच्चों के लिए कितने प्यारे प्यारे उपहार बना रही हैं। सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि आप सब परियों ने मिलके तो कितने सारे उपहार बना रहे हैं। सांता क्लॉस, बालवीर, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉस इज कमिंग अलोंग राइडिंग ऑन हिज स्लेज। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो सांता क्लॉस, खुश रहो। आप बिल्कुल सही समय पर आए हो सांता क्लॉस, बस बच्चों के लिए उपहार तैयार ही होने वाले हैं। हमें मालूम है बालवीर, पर बालवीर माय चाइल्ड, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी तुम बच्चों में उपहार बांटने हमारे साथ धरती पर आओगे ना? हाँ जरूर सांता क्लॉस, वो कार्य जिससे बच्चों को खुशी मिले उसका भागीदार बालवीर जरूर रहेगा।